दोस्तों, लेह लद्दाख में आज हमारा चौथा दिन है और अभी हम है नुब्रा में। नुब्रा वैली एक जगह है, आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसी के पास में वाइट सैंड डेजर्ट्स है, वो भी कल आपने देखा होगा। और जस्ट हमने उसी के पास में एक होटल ली है जिसका नाम है हिमालय डेजर्ट्स विला। और चलिए मैं आपको होटल दिखाता हूँ, होटल के रूम कैसे क्या है वो भी बताता हूँ आपको मैं। तो दोस्तों, ये है यहाँ का फ्रंट ऑफिस और जितना भी होटल बना है पूरा वुडन में बना हुआ है, जो कि एक अच्छा सा फील देता है। लॉबी है यहाँ की और मैं हमारा ही रूम बता देता हूँ। थोड़ा अस्त व्यस्त हो रखा है लेकिन आप देख लीजिए, ये देखिए पूरा वुडन फिनिशिंग का रूम है। तो दोस्तों, 2500 रुपये में दो लोगों का आपको यहाँ पे रूम मिल जाएगा, एक ही कैटेगरी के रूम है। अभी मेरा माइक टूट चुका है तो देखते हैं वॉइस वगैरह कैसी क्या आ रही है, ज़रूर बताइएगा मुझे। चलिए अब चलते हैं और निकलते हैं पैंगोंग लेक के लिए। उससे पहले एक मॉनेस्ट्री है वो देखने जा रहे हैं हम, तो वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। डिस्किट मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एंट्री टिकट लेना पड़ेगा पर पर्सन का 30 रुपीस, अभी हमने ले लिया है, अब आगे जा रहे हैं। This is Maitreya Buddha statue, okay? And also we call it future Buddha, because after 1000 years, we Buddhism believe that Maitreya Buddha will come in this world and he will give teachings to everyone, okay? Right now, according to Buddhism, you know, now Shakyamuni's teachings is here in the world, okay? After the 1000, this Buddhism is totally extinct, okay? Then he'll come and he'll give teachings to everyone. Yeah, and also his posture is like standing posture, no? Yeah. And we also call it, he's about to come in the world. That's why his, you know, like posture is like this. Yeah. Thank you so much. What's your name? My name is Tundu. Tundu. Thank you so much. Actually, I came with other group. Okay. And I'm local guide here. Okay. Yeah. गाइस, हम ATV बाइक चलाने वाले हैं, इसे माउंटेन बाइक भी बोला जाता है। और पर बाइक का हमने 1000 रुपीस पे किया है। आप डबल शेयरिंग पे भी जा सकते हैं, बार्गेनिंग वगैरह आप करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है, यहाँ का टिकट है 1000 रुपीस पर बाइक के हिसाब से, दो लोग शेयर कर सकते हैं।
दोस्तों पेंगोंग में एंट्री के लिए आपको 10 रुपए का पर पर्सन के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। ये देखिए हमने चार्ज पे किया है, ये पर पर्सन के हिसाब से पेंगोंग में एंट्री का। सो गाइज, लेह से 135 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम आ चुके हैं पेंगोंग लेक। अब देख सकते हैं कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, बहुत ही शानदार है। पानी देखिए बहुत ही इसका साफ है, और इसे कहा जाता है कि ये दिन भर में 5 कलर बदलती है। अभी जो मैं कलर देख रहा हूँ ब्लू ग्रीन, इसमें कलर दिख रहा है। अभी हमारे भाई लोग लड़ने लग गए हैं कि भाई फोटोज़ 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 ले लेंगे, भाई तुम्हारी फ़ोटोज़ सब ले लेंगे, इतनी टेंशन मत लिया करो फोटोज के लिए। वेद में ऐसे थोड़ी होता है यार। Thank you.